Hey guys, what's up? Badrinath is back with the new video. So guys, welcome back to my channel Badri Fitness. कैसे यार आप सब अच्छे हो गए? कार्तिक भाई, हेलो गाइस। तो यार तुम्हारी आज की न्यू वीडियो है, बात करेंगे यार थाइस वर्कआउट एट होम, बट एडवांस थाई वर्कआउट चल रहा है यार। पहले बिगिनर्स वगैरह के लिए मैंने सारी वीडियो आप लोगों के लिए डाल दी, बिगिनर्स थाई वर्कआउट, जिम के लिए थाई वर्कआउट। बट यार जैसे काफ़ी लोग हैं यार जिम नहीं जा पाते, बट घर के अंदर ही उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग करनी है, बेशक टेरेस में करनी है, पार्क में जाके करनी है, कहीं पर भी करनी है, तो वो हमारी जो ट्रेनिंग होती है हमारे को यार ना यहाँ पे लेग प्रेस मिलेगी, ना आपको लेग एक्सटेंशन मशीन मिलेगी, कोई सी मशीन नहीं मिलेगी, अपनी बॉडी के थ्रू ही हमारे को बेस्ट वर्कआउट अपना देना पड़ेगा। तो बस यार इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से हमारा एडवांस थाई वर्कआउट होगा और जो हमारा थाई मसल ग्रो करने में हेल्प करेगा ही करेगा। आपको पता है यार ये थाई वर्कआउट काफ़ी बड़ा मसल्स है। देखो यार ये चेस्ट वगैरह हो गए तो छोटा सा, कितना छोटा सा मसल है। ट्राइसेप का ये रहा जरा सा मसल, बाइसेप का ये रहा, और थाई ये रहा पूरी थाई का मसल, उसके नीचे काफ का मसल है ना, कितना बड़ा मसल। उसके अंदर ये क्वाड्स, पीछे ये हैमस्ट्रिंग मसल, ये पूरा ग्लूट्स मसल, ये सारों को ट्रेन करना है यार। तो एक दिन थाई को ऐसा ट्रेन करो कि अगले दिन फील होना चाहिए, उठने बैठने में पता लगना चाहिए कि हाँ यार थाई वर्कआउट किया था। तो बस यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और 200 के सब्सक्राइबर तक रीच करने में हेल्प कीजिए। बस वीडियो आप देखते ही कंप्लीट होते ही चैनल का सब्सक्राइब कर देना और चलो स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। हमारा फर्स्ट वर्कआउट होगा यार, हम लेंगे इसके अंदर प्री स्क्वाट्स। आप प्री स्क्वाट्स आपको नॉर्मल वो नहीं लेने, 20-20 के दो सेट जैसे बिगिनर्स करते थे, अब हो गए आप एडवांस। एडवांस के अंदर हम पता किस तरीके से लेंगे, आपको लेने पहले 12, फिर लेने 13, फिर लेने 14, फिर लेने 15, फिर 15 से वापस मार्को नीचे आना 12 तक। इससे पता क्या होता है, इसके अंदर ना हमारा माइंड और मसल एकदम कनेक्ट हो जाता है। मतलब यार हमने अपने माइंड को हम टारगेट कर देते हैं कि मेरे को 12 तक जाना है, अब 13 तक जाना है, 14 तक जाना है, 15 तक जाना है, और जब 15 से वापस आप नीचे आने लग जाओगे तो और फील आएगा। चलो कार्तिक भाई करके दिखाइए, और इस चीज़ का ध्यान रखना और करके देख लेना, पूरा बढ़िया मजा आ जाएगा। पैरों को थोड़ा सा अंदर की तरफ, अपने शोल्डर लेवल पे इसकी पोजीशन को रख लीजिए, चेस्ट बार बैक स्ट्रेट, अपना पीछे की तरफ बैठते हुए 1 हां 2 ये पूरा, फिर 2 चलो लगाओ, 1 बहुत बढ़िया, फिर 2 बहुत बढ़िया आराम से, 3 परफेक्ट एकदम, 4 परफेक्ट एकदम, 5 6 7 8 9 10 11 12 बस 12 अपना कंप्लीट हो गया। अपना 15 या 20 सेकंड बाद अपना जैसे आपको लगे दोबारा से बॉडी एक्टिव हो गया, सेकंड सेट लेंगे अपना 10-15 सेकंड का सेकंड सेट, फिर अपना थर्ड सेट, फिर फोर्थ सेट, इस तरीके से अपना करते हुए पहले ही एक्सरसाइज में बढ़िया पंप आ जाएगा। चलो अब दोबारा से लीजिए 13, अपना वही पोजिशन लेते हुए चलो 1 हाँ जी पूरा, 2 ऊपर आके अच्छे से टाइट, ये बढ़िया, 3 परफेक्ट एकदम, 4 बहुत बढ़िया, ये 5 हाँ दो, 6 परफेक्ट एकदम, 7 हाँ दो, 8 9 10 11 कर सकते हो आप, 12 एंड 13 बढ़िया। सो ये हमारा वर्कआउट कंप्लीट होने का, बात करते हैं हमारी सेकंड वर्कआउट के। तो यार हमारा सेकंड वर्कआउट होगा यार, हम इसके अंदर लेंगे या वॉकिंग लंजेस या अपना स्टैटिक लंजेस भी आप ले सकते हो। देखो पता है किस तरीके से होगा, आप अपना अगर आपके पास देखो टेरेस पे कर रहे हो तो आप वॉकिंग करते हो कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया यार पंप आएगा, मजा आएगा। अगर नहीं अपना रूम में कर रहे हो, इतनी जगह नहीं है, तो अपना वहीं पर आराम से लीजिए, 1 पूरा पलाओ, 2 इसके अंदर हमारे ग्लूट्स मसल, ये पूरा हैमस्ट्रिंग, इसके अंदर सारे मसल अच्छे से ट्रेन है, 3 और जब यहाँ से पलाओगे तो ये हमारे इसके अंदर थाई ट्रेन होगी, मतलब दोनों एक साथ बढ़िया इसके अंदर वर्क करते हैं, 4 चलो। नहीं तो आप वॉकिंग लंजेस भी ले सकते हो अगर टेरेस में कर रहे हो या पार्क के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हो तो काफ़ी बढ़िया। चलो वॉकिंग लंजेस करिएगा, नहीं नहीं बिना उसके कर सकते आप, चलो ले लीजिए 1 आराम से, हाँ ये 2 परफेक्ट एकदम, ये 3 हल्का सा होल्ड करना है, हाँ ये होल्ड करते हुए, ये 4 परफेक्ट एकदम, ये 5 हाँ ये पूरा, ये 6 7 वापस आओ इधर की तरफ, ये 8 हाँ ये पूरा, ये 9 आन दो उसको, ये 10 पूरा फेल करना है अच्छे से, 11 आन दो बहुत बढ़िया, ये 12 बहुत बढ़िया इसको, ये 13 ये 14 लास्ट ये 15 इस तरीके से रख लेना, काफ़ी बढ़िया पंप आ जाएगा। 4 सेट्स इसके रख लोगे, ये एडवांस के अंदर है। आपने देखा होगा मेरी बिगिनर्स वाली वीडियो के अंदर, उसके अंदर लंजेस मैं नहीं बताता था क्योंकि यार नहीं कर पाओगे यार स्टार्टिंग में, जब आप फ्री स्क्वाट्स ही नहीं लगा सकते तो यार वॉकिंग लंजेस कहाँ से लगा लोगे। तो जब यार धीरे धीरे करके ही ट्रेनिंग करते रहोगे, थोड़ा एडवांस बनोगे, तब आप इसको वर्कआउट करना। बात करते हैं हमारी थर्ड एक्सरसाइज की।
सो यार जो हमारा थर्ड वर्कआउट होगा यार, इसके अंदर हम लेंगे वाइड स्क्वाट्स। यार वाइड स्क्वाट्स आप डंबल के थ्रू भी ले सकते हो, थोड़ा सा वेट डाल के, वो बिना डंबल के भी आप ले सकते हो। चलो कार्तिक भाई करके दिखाइए एक बारी। ये देखो इसके अंदर ध्यान रखना है, नॉर्मल स्क्वाट्स की जो हमारी पोजीशन होती है ये रहती है। इसके अंदर अपने थोड़ा सा भार करते हुए, और जब हमारे जो पैर की जो फीट की पोजीशन है उसी में हमारे घुटने की पोजीशन उसी में चलेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये नहीं इस तरीके से नहीं चलेगी, ये जब इधर हमारा इसका है तो उसी एंगल में ये पूरा चलेगा। चलो लगाओ, ये बन जान तो नीचे, ये पूरा नीचे आना, टू हाँ ऊपर आओ, पूरा ऊपर आ कैसे स्क्वीज, थ्री बहुत बढ़िया, ये फोर पूरा ऊपर आओ, हाँ ये फाइव, ये पूरा इसके अंदर ये ट्रेंड होगी। इनर के साथ साथ पूरी हमारी आउटर थाई भी इसके अंदर अच्छे से ट्रेंड होगी। चलो सिक्स पूरा ऊपर आके अच्छे से टाइट, ये सेवन बहुत बढ़िया, आन दो ये एट पूरा परफेक्ट, या ऊपर आके नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, बस रख दीजिए अपने 15-16 इसके रेपिटेशन निकाल लेना, काफी बढ़िया मजा आ जाएगा और अच्छे से आपकी थाई बढ़िया आ रहा था ना मजा, और ये इधर भी इसमें ट्रेंड हो रही होगी आपकी और आपके साइड्स के इसमें ट्रेंड होगी। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की। सो यार जो हमारा वर्कआउट होगा आप लेंगे हैमस्ट्रिंग के लिए। यार देखो हमने क्वाड्स मसल को सारा इसके अंदर ट्रेन कर लिया, बारी आ गई है इस मसल्स को अच्छे से ट्रेन करने के लिए। इसके आप 5 सेट्स रख लेना, काफी बढ़िया मजा आ जाएगा। बट यार देखो यार आपको यहाँ पे लैग कर्ल मशीन तो मिलेगी, लैग कर्ल वो मशीन होती है जो हमारे हैमस्ट्रिंग मसल को ट्रेन करती है, जैसे लैग एक्सटेंशन करते हैं तो क्वाड्स ट्रेन करते हैं, ऐसी लैग कर्ल यहाँ पे तो आपको मिलेगी नहीं, ना घर के अंदर मिलेगी ना आपको यार अपने टेरेस पे मिलेगी। तो देखो एक डंबल होता है, डंबल हम अपने पैरों में लगा के उस तरीके से करते हैं, बट उसके अंदर यार हमारे को जूते लगा के नहीं करना यार, रिस्पेक्ट करनी है, जूते नहीं लगने चाहिए क्योंकि उसी हाथों से डंबल करोगे उसी को जूते लगाओगे, वो नहीं करना। अपने जूते उतार लीजिए कार्तिक भाई, चलो और उल्टा लेट जाइए, इसकी ध्यान रख लेना। ये मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता रहा हूँ क्योंकि ये एडवांस बंदों के लिए है। और अपना पैर किसी को भी बोल देना पैर के अंदर इस तरीके से डंबल अटकाते हुए, चलो ठीक है, और पूरा नीचे जान दो इसको, ये वन पूरा ऊपर लाओ, ये टाइट करते हुए टू बहुत बढ़िया, ये थ्री परफेक्ट एकदम, ये फोर फील करना है माइंड कनेक्शन इसके साथ रखते हुए, ये फाइव बहुत बढ़िया, ये देखो ये पूरा सिक्स परफेक्ट एकदम, ये सेवन ऑन दो, ये देखो पूरा इसके अंदर ट्रेंड हो रहा है, ये एट हाँ ये बहुत बढ़िया, ये नाइन परफेक्ट एकदम टाइट रखो, ये टेन ऑन दो ये पूरा आ रहा है इसके अंदर, इलेवन बहुत बढ़िया, एंड ये ट्वेल्व इसको रख दीजिए आराम से। आ रहा था कार्तिक इस मसल पे फील, पूरा ये वाला मसल इसके अंदर कवर हो जाएगा, 5 सेट रख लेना और अच्छे से मसल को माइंड से कनेक्शन पूरा रखते हुए पूरा फील करते हुए ट्राई करके देख लेना और बता देना सर आ रहा था या नहीं आ रहा था। अब बात करते हैं हमारी लास्ट वर्कआउट की। सो यार हमारा लास्ट वर्कआउट होगा यार, जब हमने पूरा इसको ट्रेन कर लिया, बारी रह गई हमारी काफ मसल्स को ट्रेन करने की। काफ स्टैंडिंग काफ ये जिम के अंदर भी हम आराम से खड़े होकर करते हैं और वैसे अपने रूम में भी कहीं पर भी खड़े होकर कर सकते हैं। अपने लिया कहीं पर भी हल्का तो ये बात अच्छे से ऊपर होल्ड टू, ये देखो हमारे काफ इनमें दिख रही होगी ना, थ्री ये फोर ये फाइव ये सिक्स, लगाओ इसको अच्छे से लगा लो 10-12 रेपिटेशन से ऊपर चले जाओ, 4 सेट्स रख लेना, बढ़िया काफ मसल घर के अंदर ही ट्रेंड हो जाएगा। हाँ वीक के अंदर इसको 2 दिन भी आप ट्रेन कर सकते हो क्योंकि काफ मसल हमारा बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है क्योंकि हम पूरा दिन इसको चलते रहते हैं। चलो ना हल्का तो पैर अंदर की तरफ रखो, हाँ चलो वन ये टू ये थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन एंड 14 रख दीजिए, बहुत है आज के लिए। सो यार आज की वीडियो हमारी इधर ही कंप्लीट होती है, आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी एडवांस हाई वर्कआउट काफ़ी पसंद आए होगा, कुछ न्यू एक्सरसाइज आप लोगों के लिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो बस यार अपना प्यार दीजिए कमेंट में, मैक्सिमम अपना प्यार दीजिए, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना। ओके गाइज बाय बाय, लव यू ऑल।